टेक्नोलॉजी से जुड़े और भी वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे चैनल गुड फॉर नथिंग हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्यूचर में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो हाल ही में अभी जी टीवी ने अपने सारे चैनल जियो टीवी ऐप से हटा लिए हैं। जी ने अपने 35 चैनल्स और जो भी वीडियो ऑन डिमांड का कंटेंट था वो जियो टीवी से हटा लिया है। जियो टीवी एक मोबाइल टीवी सर्विस प्रोवाइडर है अपने सारे जियो सिम्स यूजर्स के लिए। जी के उन 35 चैनलों में कई चैनल शामिल है जो है जी टीवी, जी सिनेमा, जी मराठी और भी कई सारे चैनल है। जियो के पास अभी करंटली 210 मिलियन यूजर्स है अपने नेटवर्क पर। जी ने अपना सारा कंटेंट जियो टीवी से वापस ले लिया है जो जियो यूजर्स के लिए एक बहुत ही निराशाजनक खबर है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जी एंटरटेनमेंट है वो जियो टीवी से ज्यादा मांग कर रहा था और जियो टीवी को ये मंजूर बिल्कुल भी नहीं था। तो 6 अगस्त को जी एंटरटेनमेंट ने अपना सारा कंटेंट जियो टीवी ऐप से हटा दिया है। ये खबर सारे जियो यूजर्स के लिए बहुत ही निराशाजनक है। इनकी पिछली डील जो 2016 के मिड में साइन हुई थी वो अब 2018 में टर्मिनेट हो चुकी है। ये डील दोनों कंपनियों के लिए बहुत ही बुरी साबित हो सकती है और दोनों कंपनियां अभी इस मुद्दे पे कुछ नहीं कह रही है। दोनों कंपनियों ने अभी इस मुद्दे पे चुप्पी साधी हुई है। जी एंटरटेनमेंट ने अपना कंटेंट जियो टीवी से हटा लिया है, इससे इन दोनों कंपनियों का ही लॉस होगा। अब यही उम्मीद करते हैं कि जियो टीवी और जी एंटरटेनमेंट के बीच में वापस सुलह हो जाए और जी एंटरटेनमेंट का सारा कंटेंट जियो टीवी में वापस आ जाए। 15 अगस्त से जियो गीगा फाइबर्स के रजिस्ट्रेशन चालू है, तो अगर आपको इस चीज के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो ऊपर कार्ड में इस लिंक को क्लिक करें। तो ये जो जी और जियो टीवी की डील फाइनल नहीं हो पाई है, इस पे आपके क्या विचार है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।